दोस्तों रजनीकांत और अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। ये फिल्म 29 नवंबर को रिलीज होगी। इसका बजट करीब 600 करोड़ बताया गया है। फिल्म रिलीज के बाद जो भी कमाए लेकिन 120 करोड़ रुपए पहले ही कमा चुकी है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने थिएटर्स में रिलीज से पहले ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। इसका प्री रिलीज बिजनेस करीब 120 करोड़ रुपए हो गया है। ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तमिल फिल्म भी बन गई है। इसमें अक्षय कुमार विलन का किरदार निभाते नजर आएंगे। वे क्रोमैन लुक में दिखेंगे। ये गेटअप पाने के लिए उन्होंने हैवी मेकअप कर लिया है। अक्षय इस फिल्म में बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हैं और किसी डरावने स्टैचू की तरह दिख रहे हैं। 2.0 से अक्षय कुमार साउथ फिल्मों से डेब्यू कर रहे हैं। साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी की सबसे खास बात इसका VFX वर्क है, जो कि शानदार बन रहा है। VFX की वजह से कई बार मूवी की रिलीज डेट में बदलाव किया गया। VFX में हॉलीवुड स्टैंडर्ड की क्वालिटी देखने को मिलेगी। VFX का काम X-Men और मार्वल की सीरीज याद दिलाता है। इसे 2D और 3D में भी रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार ने खुद खुलासा किया कि मेकर्स ने VFX पर 544 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह पहली बार है जब भारत में बनी किसी फिल्म के VFX पर इतना भारी भरकम अमाउंट खर्च किया गया हो। 2.0 के VFX काफ़ी होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।